Welcome to online classes of Kerala Public School. This is me, Narendra Kumar, and I welcome you. As you know, we have started chapter number 13 in class 9th, and that is surface area and volume. So, we will continue it today and we will start exercise 13.1. So, let's start. Here we have 13.1, and I'm going to read question number first and in this question we have a plastic box 1.5 meter long 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made it is open at the top ignoring the thickness of the plastic sheet determine the area of the sheet required for making the box and the cost of sheet for it if the sheet measuring 1 meter square cost rupees 20 तो क्या दिया गया है हमारे पास हमारे पास एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसका लेंथ है वन पॉइंट फाइव मीटर ब्रैथ है वन पॉइंट टू फाइव मीटर और इसके साथ में जो उसका हाइट है या डेप्थ जो आप भी आप बोल सकते हो वो है सिक्सटी फाइव मीटर तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें इस क्वेश्चन में यही मिलता है कि जो ये सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर है इसको आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर में क्योंकि याद रखिएगा हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम क्या करते हैं सेम डायमेंशन का यूज़ करते हैं अगर ये मीटर में है तो हम सारे डायमेंसन्स को मीटर में रखेंगे अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके रखना है तो आप सेंटीमीटर में भी रख सकते हैं लेकिन डायमेंसन्स सेम यूनिट में होनी चाहिए ओके इसके साथ में ये टॉप से क्या है ओपन है तो इसमें टॉप का एरिया नहीं जुड़ेगा जब आप इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे और आपको क्या फाइंड आउट करना है सीट का एरिया फाइंड आउट करना है इसका मतलब आप सी प्लस एरिया ऑफ बेस ऐड करके आप बता सकते हैं इसी तरह से कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आप का जो एरिया आएगा उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन तो डायमेंशन हमें थे लेंथ 1.5 मीटर ब्रेथ 1.25 मीटर और डेप्थ दैट इज 65 सेंटीमीटर बीच कैन बी रिटर्न द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द ओपन बॉक्स बॉक्सल टू सी एस ए प्लस एरिया ऑफ बेस सी फाइंड आउट करते हैं हम टू इन लेंथ प्लस मल्टीप्लाई हाइट से और अगर आप हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में सो तो कितना मिल जाएगा टू इंटू लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस ब्रैथ मल्टीप्लाई हाइट समझ गए आप सभी सो so, इसलिए हमारे पास जो एल बी एस का वैल्यू है हम इसमें पुट करेंगे ये है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रैथ किसका बेस का एरिया है तो वैल्यू पुट किया हमने क्या मिला हमारे पास टू इंटू वन पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट सिक्स फाइव प्लस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव मल्टीप्लाई वन पॉइंट फाइव एंड प्लस फाइव मल्टीप्लाई फाइव सिंप्लीफाई किया सिंप्लीफाई करने पे कितना मिला बेटा आंसर फाइव पॉइंट फोर फाइव मीटर स्क्वायर ये क्या आया है ये है एरिया ऑफ सीट जिसका यूज किया गया है एक ओपन बॉक्स बनाने में अभी हमें फाइंड आउट करना था टोटल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे हमारे कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है एरिया मल्टीप्लाई रेट एरिया अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है 5.45 पॉइंट फोर मीटर स्क्वायर और रेट है रुपीज ट्वेंटी पर मीटर स्क्वायर सो दैट मीन्स द टोटल कॉस्ट ऑफ सीट दैट शुड इक्वल टू ट्वेंटी मल्टीप्लाई फाइव पॉइंट फोर फाइव इक्वल टू रुपीज वन हंड्रेड नाइन गोट इट नाउ लेट एस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकेंड

कैसे फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ फोर वॉल्स जो है वो सी एस सी के ही इक्वल होता है सी एस सी ऑफ क्यूबोइड तो दैट मीन्स टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट से आप क्या निकाल लेंगे एरिया ऑफ फोर वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सेलिंग भी आपको निकालना है जो कैसे निकालेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करके क्योंकि सेलिंग का एरिया और हमारा बेस का एरिया जो है वो इक्वल होता है आपने पढ़ा भी था क्यूबोइड में हमारे पास दो अपोजिट फेसेस के जो एरिया हैं वो इक्वल होते हैं इट टोटल एरिया आपके पास आ जाएगा इन दोनों को ऐड करके और जो आपको कॉस फाइंड आउट करना है वाइट वॉशिंग का उसके लिए आपको टोटल एरिया को सेवन पॉइंट फाइव ज़ीरो से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिए अगर फिर भी डाउट बनता है तो मैं इसको सॉल्व करा दूंगा अभी हम टॉक कर दें क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं इन क्वेश्चन नंबर थर्ड वी आर गिवन द फ्लॉर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल ए पैरा मीटर टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मीटर किसी रेक्टेंगुलर जो हॉल है उसका पैरा मीटर कितना दिया गया है टू हंड्रेड फिफ्टी मीटर दिया गया है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दॉल्स रुपीज टेन पर मीटर स्क्वायर इज फिफ्टीन थाउजेंड फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल हाइट फाइंड आउट करना है हॉल का पैरा मीटर टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मीटर है कॉस्ट है रुपीज टेन पर मीटर स्क्वायर और टोटल कॉस्ट जो दी गई है

एक फॉमुला यूज़ करते हैं जैसे आपने पढ़ा था कॉस्ट जो होती है इक्वल होती है एरिया मल्टीप्लाई रेट के तो अगर मुझे यहाँ से एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे जो टोटल कॉस्ट है उसको रेट से मल्टी डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा तो इसी को यूज़ करके हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स ऑफ द रूम दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट टू द पेंट ऑफ वॉल्स ऑफ द रूम्स एंड डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ पेंट वन मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल्स ओके सो इट्स नॉट इक्ल टू फिफ्टीन थाउजेंड डिवाइड बाई टेन दैट इज इक्वल टू फिफ्टीन हंड्रेड मीटर स्क्वायर यह आ गया है हमारे पास एरिया ऑफ फोर वॉल्स जिनको हमें क्या करना है जिससे हमें हाइट फाइंड आउट करने को मिलेगी क्योंकि एरिया ऑफ फोर वॉल्स जो है वो किसके इक्वल होता है एलेस से इक्वल होता है क्यूबर्ड में हमने पढ़ा था ठीक है तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स एक तरफ से तो हम फिफ्टीन हंड्रेड मीटर स्क्वायर पुट करेंगे और दूसरी तरफ से हमारे पास ए जो सी एस ए का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट समझ गए तो बेटा इसको पुट कर दीजिए ये आ जाएगा आपके पास टू इंटू हाइट इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इज इक्वल टू फिफ्टीन हंड्रेड और रिजल्ट फर्स्ट से हमारे पास रिजल्ट फर्स्ट से जो वैल्यू आई थी टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू टू हंड्रेड फिफ्टी उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा टू हंड्रेड फिफ्टी मल्टीप्लाई एस इज इक्वल टू फिफ्टीन हंड्रेड

द पेंट इन इज सर्टेन कंटेनर इज सविशेंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू नाइन पॉइंट थ्री सेवन फाइव मीटर स्क्वायर हाउ मनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंसन्स ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर मल्टीप्लाई टेन सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर हमें कोई एक कंटेनर दिया गया है जो पेंट से क्या है उसमें फुल है और उससे जितना एरिया पेंट किया जा सकता है वो है नाइन पॉइंट थ्री सेवन फाइव मीटर स्क्वायर दैट मीन्स इतना उसमें सफिशेंट पेंट है कि उससे ये एरिया पेंट किया जा सकता है अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उसी पेंट से आप ये बताइए कितनी ब्रिक्स पेंट की जा सकती हैं अगर हर एक ब्रिक्स का जो डायमेंसन है वो कितना है बच्चे ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर मल्टीप्लाई टेन सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अब क्योंकि ब्रिक्स जो है वो एक क्यूबोइड फॉर्म में है तो सबसे पहले हमें एक ब्रिक्स का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि जब अगर आप पेंट करेंगे तो आप उसके टोटल सरफेस एरिया को ही पेंट करेंगे तो अगर हमारे पास एक ब्रिक्स का टोटल सरफेस एरिया आ जाता है तो हम उससे नाइन मीटर स्क्वायर जो कि टोटल एरिया है जो हमारे पास जितना पेंट है उस सफिशेंट पेंट हमारे पास है जिससे ये एरिया 9.375 मीटर स्क्वायर कवर किया जा सकता है तो इसको डिवाइड करके हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को आइए फाइंड आउट करते हैं सरफेस एरिया एक ब्रिक के लिए और सरफेस एरिया अगर हम करने हमें फाइंड आउट करना है तो हमें फॉर्मुला यूज करना पड़ेगा टी से और टी से क्या होता था क्यूबर्ड के लिए ये होता था हमारे पास टू इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ समझ गए सो इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम किस किस का लेंथ ब्रेथ और हाइट का सो so, ये इक्वल हो जाएगा टू इंटू ट्वेंटीप्लाई टेन प्लस टेन मल्टीप्लाई सेवन पॉइंट प्लस मल्टीप्लाई ट्वेंटी इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो बच्चे ये इक्वल आ जाएगा नाइन हंड्रेड थर्टी सेवन सेंटीमीटर स्क्वायर अभी क्योंकि ये एरिया जो है वो इसमें आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा मीटर स्क्वायर में क्योंकि जो गिवन एरिया है हमारा वो था नाइन पॉइंट थ्री सेवन फाइव मीटर स्क्वायर सो इसलिए हमें सेम यूनिट में करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो इसको आइए कन्वर्ट करते हैं देखो आप सभी जानते हैं वन मीटर में हमारे पास कितने हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं तो वन मीटर स्क्वायर वन मीटर स्क्वायर का मतलब है हमारे पास वन मीटर मल्टीप्लाई वन मीटर दैट मीन्स हंड्रेंड सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हंड्रेड सेंटीमीटर एंड विच कैन बी रिटर्न एज वन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू टेन रेज टू द पावर फोर सेंटीमीटर स्क्वायर दैट मींस अगर आपको ए सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है किस से डिवाइड करना पड़ेगा 10 रे टू द पावर 4 से तो so, बच्चे इसको जब हम डिवाइड करेंगे 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को किस से 10 रे टू द पावर 4 से तो so, ये इक्वल हो जाएगा 0.09375 मीटर स्क्वायर गॉट इट सो नाउ लेट्स फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स व्हिच कैन बी पेंटेड एंड दैट इज इक्वल टू टोटल एरिया टू बी पेंटेड डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन ब्रिक और टोटल एरिया जो पेंट किया जा सकता था वो कितना था नाइन नाइन पॉइंट थ्री सेवन फाइव मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन ब्रिक जो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है वो है जीरो पॉइंट जीरो नाइन थ्री सेवन फाइव एंड दैट इज इक्वल टू हंड्रेड सो हंड्रेड ब्रिक्स कैन बी पेंटेड बाई यूजिंग द सेम कंटेनर ऑफ पेंट क्लियर Now, let us discuss about question number five. In this question, we are given a cubical box has edge 10 centimeter, and another cuboid box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide, and 8 centimeter high. And we need to find in part first which box has the greater lateral surface area and by how much, and in part second. विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल surface एरिया एंड बाई हाउ मच ये क्वेश्चन बचे आप लोग सोल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ यहाँ से देखो ये है हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स है जिसमें उसका एज जो दिया गया है वो टेन सेंटीमीटर है तो जब आप इसका लिटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर इन टू साइड इसका लिटल सर्फेस एरिया ही सी एस ए के इक्ल होता है हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में और क्यूबॉइड का लिटल सर्फेस एरिया फाइंड आउट करेंगे आप उसके लिए भी सी एस सी का जो फॉर्मूला है टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट यूज करके आप फाइंड आउट कर लेंगे ओके okay, उसके बाद कंपेयर करेंगे कि इनमें से किसका लटल सरफेस एरिया ग्रेटर आया है और ये पता करने के लिए कि कितना है आप उन दोनों को सबस्टेट कर देंगे गॉट इट इसी तरह से आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए जब आप क्यूब के लिए फाइंड आउट करेंगे तो सिक्स इंटू ए स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे और जब आप क्यूबॉइड के लिए टी से फाइंड आउट करने जाएंगे तो आप टू इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ का फॉर्मूला यूज करते हुए फाइंड आउट करेंगे फिर उसी तरह से कंपेयर करके आप आंसर करना है समझ गए बच्चे क्वेश्चन नंबर फाइव आप सॉल्व करके देखिए और अगर इसमें फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा दूंगा क्वेश्चन नंबर सिक्स अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें क्या दिया गया ए स्मॉल इनडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ द ग्लास पेंस इंक्लूडिंग बेस हेल्ड टुगेदर विद द टेप इट इज थर्टी सेंटीमीटर लॉन्ग ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर वाइड एंड ट्वेंटी हाई वट यू नीड टू फाइंड इज द एरिया ऑफ द ग्लास एंड हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर द ऑल एजेस सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन सो लेंथ ऑफ द ग्लास हर्बेरियम इज इक्वल टू थर्टी सेंटीमीटर ब्रेथ इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर क्यों ये एक थ्री डी फॉर्म में बन जाएगा क्योंकि थ्री डायमेंशन है हमारे पास तो एक क्यूबर्ड फॉर्म form को फॉर्म करेगा अभी हम फाइंड आउट करते हैं टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द ग्लास बाई यूजिंग द फॉर्मूला टू इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रैथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ जो कि टी एस सी का फॉर्मूला है क्यूबोर्ड फाइंड आउट करना क्यूबोर्ड का टी एस ए फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू पुट करेंगे बेटा लेंथ ब्रेथ और हाइट का सो दैट इज इक्वल टू टू इंटू थर्टी मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई थर्टी फाइव इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो वी गोट अवर आंसर फोर थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि क्या है ये है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया किसका ग्लास का तो इसी के साथ ही हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन था हमारे पास उसका आंसर आ गया है कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था कि आप ये बताइए कि ग्लास का कितना यूज किया गया इस हर्बेरियम को बनाने के लिए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा कि हमारे पास फोर हंड्रेड फोर थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया यूज किया गया इस ग्लास को ब... अभी सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा कुछ इस फिगर से समझ लेते हैं देखो आपसे बोला गया है कि अगर जो ट्वेल्व एजिज हैं उन पे टेप लगाई जाए तो कितनी टेप यूज होगी ये हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये ट्वेल्व एजेस कौन सी होती हैं अब देखो फर्स्ट एज ये है यहाँ से कट इट और दूसरा ये है इसी के रेस्पेक्ट में इसके अपोजिट जो फेस है दो उस पर होंगे तो इसका मतलब हमारे पास फोर कितने होंगे फोर्थ दो लेंथ हो गए तो इसी के साथ में अगर आप ब्रेथ की बात करोगे तो ब्रेथ भी हमारे पास वन टू थ्री और फोर्थ हो जाएंगे क्लियर और फोर्थ हो जाएगी हमारे पास हाइट वन टू थ्री एंड फोर तो इन्हीं एजेस पे हमें टेप लगानी है तो इसका मतलब हमारे पास एज जो आ, हमारे पास टोटल टेप फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा लेंथ ब्रेथ और हाइट इनका सम उसको हम फोर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास हर एक जो लेंथ है वो भी फोर टाइम्स है ब्रेथ है वो भी फोर टाइम्स है और हाइट है वो भी फोर टाइम्स है तो इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए सॉल्व कर देते हैं लेंथ का वैल्यू है हमारे पास थर्टी सेंटीमीटर ब्रेथ का वैल्यू है ट्वेंटी फाइव और हाइट का वैल्यू भी था कितना ट्वेंटी फाइव तो सम करेंगे कितना आ जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव बिकम फिफ्टी फिफ्टी प्लस थर्टी बिकम एटी और एट्टी का फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेंटीमीटर कॉटेक्ट So we can say 320 cm of the tape is needed to fix 12 edges of herbarium. Now let us start question number seven. In this question, we are given: Santi Sweet's Stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. Two sizes of boxes were required. The bigger of dimensions 25 cm multiplied 20 cm multiplied 5 centimeter, and smaller of dimension 15 centimeter multiply 12 centimeter multiply 5 cm for all the overlaps 5% of total surface area is required extra if the cost of the cardboard is rupees 4 for 1000 cm square find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind got it तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या है हमारे पास दिया गया है कि साइंटिस्ट स्वीट्स जो है ठीक है वो अपनी स्वीट्स को पैक करने के लिए दो बॉक्सेस का यूज़ करता है एक है हमारे पास बिगर डायमेंशन का जिसमें डायमेंसन है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर लेंथ हो गया ट्वेंटी मीटर उसका ब्रैथ हो गया और फाइव सेंटीमीटर उसका हाइट हो गया दूसरा जो स्मॉलर डायमेंसन का है वो है कितना फिफ्टीन सेंटीमीटर लेंथ है ट्वेल्थ सेंटीमीटर ब्रेथ है और फाइव सेंटीमीटर हाइट है कट इट और इसके अलावा टोटल सरफेस एरिया का फाइव परसेंट एक्स्ट्रा लगता है किसके लिए वो ओवरलैप के लिए लगता है समझ गए बच्चे और इस तरह के हर एक टाइप्स के टू हंड्रेड फिफ्टी बॉक्सेस बनते हैं तो आपको फाइंड आउट करना है किसका कि टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है कार्डबोर्ड का जो कि रेट क्या है रुपीज़ फोर फोर वन थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वायर कॉटिट तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बिगर कार्डबोर्ड बॉक्स उसके लिए हमारे पास लेंथ था ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ब्रैथ था ट्वेंटी सेंटीमीटर और हाइट था हमारे पास फाइव सेंटीमीटर तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा टू इंटू लेंथ इंटू ब्रैथ प्लस ब्रैथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ वैल्यू पुट करेंगे लेंथ ब्रैथ और हाइट का तो हमें मिल जाएगा टू इंटू ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी मल्टीप्लाई फाइव प्लस फाइव मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव और इसको सिंपलिफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर ये टोटल सरफेस एरिया आ गया है बिगर डायमेंशन वाले कार्डबोर्ड का और क्योंकि 5 परसेंट एक्स्ट्रा लगता है किसके लिए वो ओवरलैप के लिए लगता है तो हम 5 परसेंट निकालेंगे 1 फोर फाइव जीरो का वो इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास सेवेंटी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर के तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया विद ओवरलैपिंग कितना हो जाएगा बिगर कार्डबोर्ड का जो टोटल एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा वन फोर फाइव जीरो प्लस सेवेंटी टू पॉइंट फाइव दैट इज इक्वल टू वन फाइव टू टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर दैट मीन्स वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर कॉटिर बच्चे अभी क्योंकि हमें हर एक टाइप्स के 250 बॉक्सेस चाहिए थे तो 250 बॉक्सेस का टोटल जो एरिया है वो कितना हो जाएगा 250 हंड्रेड फिफ्टी मल्टीप्लाई वन थाउजेंड एंड एंड दैट इज इक्वल टू थ्री लैख एटी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर now the cost of cardboard for 1000 centimeter square that is equal to rupees 4 so the cost of cardboard 1 centimeter square that is equal to rupees 4 upon 1000 so the cost of cardboard for 3 lakh 80625 centimeter square that is equal to 4 upon 1000 multiply 3 80, सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव एंड इज़ इक्वल टू रुपीज़ वन फाइव टू टू पॉइंट फाइव जीरो दैट मीन्स फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव ज़ीरो टोटल कॉस्ट आ गई है टू हंड्रेड फिफ्टी की ऑफ बिगर डायमेंसन्स इसी तरह से अब जो स्मॉलर डायमेंसन्स हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट तो सबसे पहले उसके लिए भी क्या फाइंड आउट करते हैं टोटल सर्विस एरिया तो डायमेंशंस देख लेते हैं उसके हमारे पास डायमेंशंस क्या हैं लेंथ है हमारे पास 15 सेंटीमीटर ब्रैथ है 12 सेंटीमीटर हाइट है 5 सेंटीमीटर टोटल सर्विस एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मुला यूज़ करेंगे 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रैथ प्लस ब्रेड इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ वैल्यू पुट करेंगे लेंथ ब्रेड और हाइट का तो ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू लेंथ का वैल्यू था हमारे पास 15, सो वी गोट 15 मल्टीप्लाई 12 क्योंकि ब्रेथ 12 है और प्लस 12 मल्टीप्लाई 5 क्योंकि हाइट जो है वो 5 है प्लस 5 मल्टीप्लाई फिफ्टीन सिम्प्लीफाई किया इसको सिंप्लीफाई करके हमारा जो आंसर आया वो कितना है 630 हंड्रेड थर्टी मीटर स्क्वायर और क्योंकि 5% परसेंट ओवरलैपिंग के लिए एक्स्ट्रा चाहिए तो इसका 5% परसेंट हम फाइंड आउट करेंगे सो शुड इक्वल टू 5 अपॉन हंड्रेड मल्टीप्लाई सिक्स हंड्रेड थर्टी दैट इज इक्वल टू Thirty-one point five centimeter square. So the total surface area with extra overlapping of the smaller dimensions cardboard that is equal to six hundred thirty plus thirty-one point five is equal to six hundred sixty-one point five centimeter square. And now there are two hundred fifty such boxes. So the total surface area for two hundred fifty such boxes it would equal to six hundred sixty-one point five multiply 250 हंड्रेड दैट इज इक्वल टू वन लैख सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल इसी तरह से इसका भी कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसका कॉस्ट कितना आ जाएगा हमारे पास फोर अपॉन वन थाउजेंड मल्टीप्लाई वन लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव दैट इज इक्वल टू रुपीज सिक्स हंड्रेड सिक्सटी वन पॉइंट फाइव ज़ीरो सो द टोटल कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड बोर्ड रिक्वायर फॉर सप्लाइंग टू हंड्रेड फिफ्टी ऑफ इस काइंड That is equal to total cost of bigger boxes plus total cost of smaller boxes, which is equal to rupees 1522.50 plus rupees 661.50, and the sum of these two costs is equal to Rs 2184 rupees. So the total cost is rupees 2184. Here we have last question of this exercise question number eight Parvin wanted to make a temporary settler for her car by making a box like structure with trapillion that cover the all four sides of the top of the car with the front face as a flap which can be rolled up assuming that the stitching margins are very small and therefore ne negligible then how much trampline would be required to make the सेकर of height 2.5 meter with the base dimensions 4 meter multiply 3 meter. थ्री okay? ओके इस क्वेश्चन को बच्चे आप लोग सॉल्व करके देखेंगे और इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें बस बेस का एरिया जो है लेंथ इनटू ब्रेड वो ऐड नहीं होगा तो इसका मतलब आप इसमें सी एस प्लस एरिया ऑफ टॉप ऐड करेंगे जब फाइंड आउट करने के बाद में तो आपके पास आंसर आ जाएगा कॉटेट तो ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए हैं उन क्वेश्चंस को आप अटैम्प कीजिए पहले और साथ में जब आपको क्लियर हो जाए तो ये अपना फिर नोटबुक में भी कर लीजिएगा नेक्स्ट टाइम जो है हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू और उससे आप इसमें यूज होने वाले फॉर्मूले ओके सो घर पर रहिए सुरक्षित रहिए थैंक यू सो मच